Hey guys, welcome back on Indian Reaction on Cricket. तो भाई मैंने कितने बार बोला था, कितने बार बोला पीसीबी को कि भाई डोमेस्टिक प्लेयर लोग को लेके आओ, डोमेस्टिक प्लेयर लोग को लेके आओ। फाइनली गाइज पीसीबी ने डोमेस्टिक प्लेयर लोग को लेके आने के कारण, देखो गाइज जो कामरान गुलाम, ठीक है, उसने बाबर आजम का गाइज करियर एंड कर दिया भाई। उसने फर्स्ट डेब्यू मैच में अपना 100 रन मारा यार, दैट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट यार, मजा आ गया देख के। ऐसा ऐसा इंडियन क्रिकेट फैन यार, मतलब पाकिस्तान का जो देखा भाई, जो रियल टैलेंट है, देखो ऐसा गाइज कोई भी कंट्री का गाइज ऐसा, अगर वो क्रिकेट फैन है ना, तो वो हमेशा यही चाहता है कि मतलब क्रिकेट ग्रूम हो, क्रिकेट और अच्छा हो और कॉम्पिटिटिव हो, मैच मज़ा आए, इंडिया पाकिस्तान का मैच मज़ा है भाई। लेकिन ये जो बाबर आजम और इनकी टोली गाइज, ये लोग को मौका ही नहीं देती थी, मतलब जितने भी डोमेस्टिक प्लेयर है, कितने लोग का चांस इन लोग को दिया नहीं। तो फाइनली थैंक यू सो मच पीसीबी भाई, तुम लोग ने यार एकदम आंखें खोल दिया। तो गाइज चलते हैं सीधा भाई उमर भाई के पास, चलो भाई उमर भाई क्या बोलते हैं। और जितने मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हो सबको नमस्ते। कामरान गुलाम ने पकड़ के मेरे बब्जी का कैरियर बजा दिया। कामरान गुलाम ने पकड़ के, सही बोला एकदम, मेरे घंटे के किंग का करियर बर्बाद, करियर खत्म कर दिया। सही एकदम, क्योंकि बेटा हम घंटे इस जिम्बू को खिलाई जा रहे थे और वो कुछ नहीं था कर रहा। फिर उसको उठा के बाहर मारा और एक डोमेस्टिक के लड़के को रिस्पेक्ट दी, डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट दी, डोमेस्टिक के परफॉर्मर को रिस्पेक्ट दी और उसको टीम में डाला। और उसने फिर क्या किया, उसने आके 19 पे 2 आउट प्रेशर, पाकिस्तान के प्रेशर मोमेंट में आके डेब्यू पे 50 भी मारा, फिर उसने आके डेब्यू पे 100 भी मारा और उसने पाकिस्तान को मुश्किल से निकालकर एक अच्छी पोजिशन पे ला के खड़ा किया। उसका नाम है कामरान गुलाम और उसकी जगह पे पहले कौन खेल रहा था, पहले खेल रहा था ये जिम्बाबर खेल रहा था इसकी जगह पे पहले, ये घंटे का किंग खेल रहा था, ये बर्थडे बॉय खेल रहा था, इसको तो बेटा ऐसा बर्थडे का गिफ्ट दिया ना फिर कामरान गुलाम ने, बेटा चस्करा दिया कामरान गुलाम ने। और आगे घंटे का वो स्टोरी लगा रहा है, इसने वो इंस्टा पर स्टोरी भी लगाई है, स्टोरी भी लगाया भाई, इसको पता चल गया ना भाई कौन से मुंह से स्टोरी लगा रहा है, लग गए हां फिर भी स्टोरी, मेरा कैरियर तो बढ़ गया, मेरा कैरियर तो किसी जगह जगह रहा ही नहीं है, क्योंकि भाई ये कुछ मेरे घंटे के किंग आ गए। पता है आज भी क्या बोल रहे थे, बाबर आजम नहीं है तो मजा नहीं आ रहा मैच देखने का, बाबर आजम नहीं है। सिर्फ ये एक घंटा टीम से निकला है, मुझे पाकिस्तान की टीम सेट होती नजर आ रही है, यकीन कर लो मिडिल ऑर्डर भी एकदम परफेक्ट हुआ है। ये सिर्फ घंटा टीम से निकला है और मुझे पाकिस्तान की टीम थोड़ी थोड़ी अच्छी लगना शुरू हो गई है। ऐसा इंडियन हम लोग का भी थोड़ा थोड़ा अभी भी एक दो मस्तियां हैं वो भी निकल जाएंगी, ये लिपस्टिक बुलेट और ये वो कुछ है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा काम ठीक हो रहा है। एक कटप्पा बॉलर भी यार, वो भी तगड़ा बॉलर है भाई उसका गाइज, वो कटप्पा जो बॉलर जैसा दिख रहा है, ठीक है, उसका जो एग्रेशन गाइज, उसका जो एग्रेशन ही, जो पहले के पाकिस्तान की टीम में पहला एग्रेशन होता था, शोएब अख्तर जो बॉलिंग डालता था भाई, एक एग्रेशन से डालता था, अभी के एकदम लल्लू पुल्लू बॉलर लोग है गाइज, जो एक कटप्पा में एक स्पिनर में दिखा भाई, वो एग्रेशन जो एक होता है भाई क्रिकेट खेलने का जज्बा गाइज, वो कटप्पा में दिखा गाइज, सच में बोल रहा हूँ। आज देखो 19 पे 2 आउट थे, ये घंटा होता तो 19 पे 3 हो जाते, लेकिन वो साई मयूब ने और इस कामरान गुलाम ने मतलब ब्रिलियंट बैटिंग की है, स्पेशली कामरान गुलाम ने डेब्यू में आके निकल के छक्के मार रहा है, वो मतलब लड़के के पास टैलेंट था, हमें पहले भी पता है, देखो हमें पहले मौका पता ही नहीं मिला था कि कामरान गुलाम के पास टैलेंट है, लेकिन ये बाबर आजम की कप्तानी में इसको मौका नहीं दिया गया, इसको स्क्वाड के साथ रखते थे। और गाइस मुझे एक और याद आया भाई, जो बाबर आजम के जो जितने भी जो पिंडी के जो फास्ट बॉलर है ना भाई, क्या नाम है उसका, हरीश राव गाइस, ठीक है, एक पीएसएल के मैच में गाइस उसने चामट मारा था, ठीक है, कामरान गुलाम को चामट मारा था, तो वो वीडियो भी वायरल हुआ है ट्विटर पे। तो भाई मतलब इनका जो पॉलिटिक्स है, ये जो इनके टोली है ना, ईगल, फिर ये
रफ्तार जो भी डालते फास्ट बॉलर ये सब इनके चेले बाबर आजम और इनके जो एक रिजवान बाकी है ठीक है, रिजवान खेल लेता है ताकि है एक्चुअली रिजवान के जगह पे ना सच्ची बोले तो सरफराज होना चाहिए था, अभी भी उसको खेलने के लायक है ठीक है, पर लेकिन अभी भी खिलाते नहीं यार उसको, प्रॉब्लम वो है। लेकिन इसको खिलाते नहीं थे, इसको चांसेस नहीं थे मिलते, जो कि इस इसके लिए बड़ा ज्यादा दुख की बात थी। ये परफॉर्म करके आता था, घंटे का किंग अपने दोस्ती यारी को खिला लेता था, भी चैंपियन का भी परफॉर्म किया, इसको नहीं खिलाता। बॉब्जी दी किंग, बॉब्जी दो टके का घंटा अपने दोस्तों यारों को खिला लेता था, लेकिन इस कामरान गुलाम को ये भी किसी माँ का बच्चा, ये पाकिस्तान का बेटा है, ये हमारा भाई है भाई, कामरान गुलाम हमारा भाई है, हम इसको भाई मानते हैं, हमारे भाई ने आज रन किए भाई, मुझे बड़ी खुशी है, मुझे बड़ी खुशी है हमारे भाई ने आज रन किए हैं। बाबर आजम गया बाढ़ में, बाबर आजम गया तेल लेने, बाबर आजम के अब्बू की टीम नहीं है ये, पाकिस्तान की टीम है, इधर वही खेलेगा जो परफॉर्म करेगा, इधर बाबर आजम नहीं खेलेगा आगे। बाबर आजम तो भाई और एक वो रमीज राजा चमकीली बांदरी, वो बकरी थोड़ी सी दाढ़ी वाला चमकीली बांदरी, वो टैडी मैन, एक वो और एक ये घंटे का किंग, ये दोनों वो उधर कमेंट्री में बैठ के बाबर बाबर करते हैं, वो उधर इंसान वो बाहर हो गया है, फिर भी का किंग बाहर हो गया है, फिर भी कमेंट करेगा वो बेटा, वो जो खेल रहा है कामरान गुलाम उसकी तारीफ कर दे, तुझे क्या, तेरे अंदर कौन सा कीड़ा है जो तुझे नहीं तारीफ करने दे रहा, ये भी तो पाकिस्तान का रमीज राजा का एक था कि बाबर ब्रिंग ब्रांड, ओ भाई एक तो ब्रॉडकास्ट बिखा नहीं, ब्रांड भाई, ब्रांड बोल रहा था, बाबर ब्रांड लेके आता है भाई, भाई क्या रमीज है भाई, तू क्रिकेट की बात करो यार, तुम्हारा क्रिकेट कहाँ से कहाँ चला गया भाई, वो नहीं दिख रहा, पर देखो ब्रांड चाहिए, पैसा चाहिए भाई, वाह बेटा ना, ये कामरान गुलाम भी तो पाकिस्तान का बेटा है, ये भी तो किसी माँ का बेटा है, ये किसी बहन का भाई है, उसने भी मेहनत की हुई है, वो भी धूप में रन करके आया हुआ है, उसने डोमेस्टिक में घंटे के किंग से हजार गुना बेहतर क्रिकेट खेली हुई है, तो भाई वो नहीं डिजर्व करता, करता ना, चौका लगाया उसने, सामने मारा क्या रहा जी, बॉलर ने लूज बॉल की है, वो 50 मार रहा है, उसकी कोई तारीफ नहीं है, वो क्लासिक होटल है ना उधर ही वेटर का काम करता। सो गाइस, तो गाइस सच्ची बोलूं गाइस, ओवरऑल गाइस ठीक है, वीडियो एंड करते हैं गाइस, सच में कामरान गुलाम हो गया, जो दो स्पिनर है भाई, दो तीन स्पिनर जो ऐड किया, पीसीबी वेरी थैंकफुल एज अ क्रिकेट, एज अ इंडियन क्रिकेट फैन, तो हम लोग ने गाइस सच में यार क्रिकेट का सच में एक्सपीरियंस कर चुका है, जो ऐसा क्रिकेट फैन, जो सच में क्रिकेट फैन करेगा ना गाइस ठीक है, वो जरूर सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को, क्योंकि इतने टाइम के बाद एक विक्ट्री मिला यार, मजा आ गया देख के आज का मैच भाई, जो कमबैक किया भाई, अब ये गाइस ये 1-1 स्कोर हो गया है गाइस ठीक है, 1-1 से गाइस होना चाहिए 2-1, पाकिस्तान 2 होना चाहिए, और लेट्स कमबैक कि अपने मजा आ जाए भाई, एकदम देख के मजा आना चाहिए, कि ये जो नकली किंग बन के घूमते हैं प्यार, अभी ट्विटर में एक ट्वीट नहीं दिख रहा है, पता चल गया कि भाई असली किंग कौन था भाई। तो गाइज आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आ गया गाइज ठीक है, गाइज डिस्क्रिप्शन में पूरा लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर लेना ठीक है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो गाइज आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी गाइज, थैंक यू सो मच।